मुझे नहीं पता ये भाई। भाई कांग्रेस पार्टी को ही देंगे वोट तो। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। आप सभी को पता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में सियासत जरा गर्म हो जाती है। आज हम झिरका के गांव झिमरावट में मौजूद हैं। यहां कुछ मौजूद लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में इनका मत किसको जाने वाला है और रुझान क्या है, किस तरीके की कंडीशन है। क्योंकि नेताएं आते हैं, नेताओं का आना जाना यहाँ लगा हुआ है और वोट लेने की अपील कर रहे हैं। बदस्तूर सबका आना जाना जारी है। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार ये क्या चाहते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल के अगर नज़र डालें तो 18 घंटा बिजली का वादा किया, धरातल पर कुछ नहीं है। विकास के नाम पर इंडस्ट्रीज एरिया मेवात में शिक्षा की अगर बात करें तो कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं सिस्टम में और व्यवस्था में कमी रही और ये जनता बताएगी कि इस बार किसको सत्ता देना चाहेंगे। जी भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को। हाँ। चेहरा कौन होगा आपका? हमारा मामन खानी जी ने। अगर उसको टिकट नहीं मिलता तो फिर आपका मत किसको जाएगा? उसी को जाएगा जिसका टिकट होगा, उसको जाएगा। गांव में कितनी वोटें हैं झिमरावट गांव में? झिमरावट में 4000 वोट, 4000 वोटें हैं। किसका ज्यादा आकलन के हिसाब से बता सकते हैं किसका रुझान ज्यादा है? इसी के ज्यादा आएंगे। जी जी भाई जी, किसको वोट देंगे आप? मुझे नहीं पता ये भाई। भाई कांग्रेस पार्टी को ही देंगे वोट, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। चेहरा कौन होगा आपका? टिकट जो लेके आएगा, सीधी बात है। टिकट जो लेके जी। देखिए साहब, यहाँ पार्टी को तवज्जो दी जा रही है। एक ताऊ जी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करें। जी ताऊ जी, किसको वोट जाएगा? भाई नसीम जाएगा, नसीम को वोट जाएगा। नसीम जाएगा जी भाई, नसीम को ही देंगे। नसीम को वोट जाएगा जी, बताइए सर। मामन खान को देंगे, मामन खान को। अगर वो टिकट नहीं मिलता है तो फिर आगे देखते हैं क्या बात है, जैसे रुझान रहेगा ऐसे। जी ताऊ जी, कह दी भाई, या कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को? चेहरा कौन होगा ये बता दीजिए। भाई जो टिकट लाएगा, टिकट लाएगा। हाँ। कांग्रेस का टिकट पे? हाँ। जी साहब, कांग्रेस। देखिए यहाँ तो कुछ तस्वीर साफ हो जाती है, कांग्रेस का ज्यादा दबदबा नजर आता है। क्योंकि ये फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाला गाँव झिमरावट है। यहाँ काफी तादाद में वोटर मौजूद है और 4 से 5 हजार वोटों का आकलन यहाँ बताया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब मत डालेगी जनता, जब तय करेगी सत्ता किसको देनी है, तब तस्वीर साफ होगी। मैं आपको लगातार दिखाता रहा हूँ, बने रहे मेरे साथ। गांव में मौजूद है और हमारा लगातार का सर्वे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चल रहा है। ये फिर झिरका के अंतर्गत ये गांव आता है झिमरावट में। यहाँ कुछ मौजूद लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी भाई जी, किसको वोट जाएगा इस बार? हमारा तो जी कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, हम कांग्रेस को वोट देंगे जी। उसमें एक उभरते हुए जो नेता है हमारे मम्मन अमन है, क्योंकि अच्छे प्रत्याशी हैं यहाँ के हमारे फिरोजपुर हलके के, और अच्छे लीडर भी हैं, काम भी करवाएंगे यहाँ पे। हमारी जो सोच है उनके लिए वोट देना है जी। जी भाई जी, क्या रुख है इस बार? बस रुखी का एक आदमी कांग्रेस को, इनसे टटवा का नसीम का, बीजेपी को वोट देंगे हम। नसीम को देंगे भाई। हाँ जी ताऊ जी, नसीम को हम देंगे, नसीम को देंगे। हाँ जी जी, कुछ और हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। जी भाई जी, किसको वोट देंगे? नसीम अहमद को, नसीम अहमद को जी। जी देखिए साहब, यहाँ तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि लोगों को अलग अलग मत है। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, झिमरावट गांव में हम इस बार मौजूद हैं और यहाँ लोगों की अलग अलग राय आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगा और भी, क्योंकि ये बड़ा गांव है और यहाँ काफ़ी तादाद में वोट हैं। और कुछ हमारे साथ और नौजवान, इनसे बात करेंगे। जी भाई जी, किसको वोट देंगे आप? नसीम, नसीम को। जी भाई, नसीम भी चल जाएगी, नसीम को। देखिए आपने देख लिया, लोगों का अलग अलग मत है, क्योंकि ये देखना चाहते हैं मौजूदा विधायक को, कोई देखना चाहता है जो पहले प्रत्याशी रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ा मामन खान इंजीनियर को। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें किसको ज़्यादा समर्थन मिलेगा, किसको पूर्ण बहुमत के साथ जनता यहाँ से जिता करके भेजेगी। बने रहे मेरे साथ।